अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। यार आजकल जब कोई बंदा मुझे पूछता है ना कि 25 से 30 हज़ार रुपये के अंदर कोई अच्छा सा फ़ोन बता दे, तो यकीन करो मेरी काम पे टांगने लग जाती हैं। मतलब सिचुएशन आप सबको पता है कहाँ पे चल रही है। जो रेलू कट्टा टाइप के बॉक्स पैक फ़ोन है ना, वो 70-70-80 हज़ार रुपये पे चले गए हैं। मैंने तो बेस्ट फ़ोन्स की कैटेगरी को कवर नहीं किया क्योंकि बताने को ही कुछ नहीं है भाई। बट आज इस रेंज में ना कोई 30 हज़ार रुपये की कैटेगरी में एक किट फोन आपको रिव्यू करने वाला हूँ। इसका काफ़ी डिमांड थी, मोटोरोला 15GS है। देखते हैं परफॉर्मेंस में कैसा है, कैमरास कैसे हैं, प्राइस के हिसाब से इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और क्या आपको इस फोन को लेना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में सब बताऊँगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो हमेशा की तरह लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हो मुझे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब ये जो मोटोरोला का फ़ोन है ना 15GS, इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक 4/64 वाला है, एक 6/128 वाला है। अब जो 4/64 वाला वेरियंट है ये 30-31 के आसपास मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन अवेलेबिलिटी। पहले ये 25-26 के आसपास था, बिकॉज बॉक्स पैक फोन्स की जो प्राइसेज हैं वो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं, तो उनका असर इन पर भी पड़ रहा है। वो कहते हैं ना खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है, तो ये जो खरबूजे हैं ना, आई मीन ये जो किट फोन है, प्राइसेस इनकी भी बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और देखो पैचिंग जो है ये पैच अप्रूव में आता है, ऑफिशियल PTA में नहीं होता। अब पैचिंग ऑब्वियसली एक इलीगल चीज़ है, इसको कभी भी इंडोर्स नहीं किया जा सकता, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बट जब लीगल चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल कर दी जाती हैं तो फिर इसी तरह की जो ग्रे मार्केट्स हैं वो एक्टिव रहती हैं। इस फोन का जो PTA टैक्स है वो 64,000 रुपये है। अब 30,000 रुपये का फ़ोन लेके 64,000 रुपया तो कोई भी नहीं पे करेगा, इतने फजूल के पैसे किसी के पास भी नहीं है। सिंगल सिम को सपोर्ट करता है, एक सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। बट मैं आपको इतना रिपोर्ट कर सकता हूँ कि एटलीस्ट जो मेरे पास यूनिट है इसको मैंने कई बार रीसेट करके देखा है, जो पैच है वो उड़ता नहीं है इसका। बाकी मैंने अपनी प्राइमरी सिम कार्ड भी इसके अंदर लगा के देखी है, जो कॉल क्वालिटी है वो भी अच्छी है, सिग्नल का जो रिसेप्शन है वो भी ठीक रहा है, वीक सिग्नल्स का इशू नहीं मुझे फेस हुआ। वराइजन कैरियर का ये वेरियंट है मेरे पास, तो बाकी ठीक है, चलता रहा, मेरा डेटा कनेक्शन भी अच्छा चलता रहा है, जो 4G LTE की जो स्पीड्स हैं अच्छी आती रही हैं। 4G प्लस का साइन मैंने इस फोन में नहीं देखा, और VoLTE का जो सपोर्ट है वॉइस ओवर LTE वो भी इस फोन में नहीं है। ओवरऑल जो कॉल क्वालिटी वाली साइड से चीज़ें हैं ना, वो ठीक चल रही थी। डिज़ाइन तो इस फोन का काइंड ऑफ डिसेंट ही लगा मुझे, पर्पल कलर में इसका ज़्यादा स्टॉक मार्केट में अवेलेबल रहता है, और बड़े साइज़ का फ़ोन है, प्रोफाइल थोड़ी थिक लगी है मुझे फ़ोन की, 212 ग्राम वेट है, तो थोड़ा सा बल्की भी फील होता है। लेकिन बजट कैटेगरी है, इस रेंज का यूज़र इतने वेट की डिवाइस से यूज टू ही रहता है मोस्टली। और बड़ी बैटरी भी है 5000 mAh की। उसके अलावा बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर है। स्पीड इसकी मुझे बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट नहीं लगी, लेकिन काइंड ऑफ ठीक है और एक्यूरेट है। नीचे ऑडियो जैक है इस फोन का, बैक इसकी प्लास्टिक की है, और देखो विदाउट केस चलाओगे स्क्रैचेज आएंगे, शीट भी नहीं लगाई स्क्रैचेज आएंगे। तो जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना इसके, वो ऑनलाइन मिल जाते हैं, पाउच वगैरह ये वो। बाकी जो किट फोन्स होते हैं इनके केस में जो दूसरी पार्ट्स अवेलेबिलिटी, लाइक डिस्प्ले डैमेज कर लिया इस तरह की, वो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है अगर कोई किट फोन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उनके पार्ट्स नहीं मिलते। तो ये चीज़ माइंड में रखे किट फोन्स को लिया करो, सिचुएशन के हिसाब से अच्छे पैसे में अच्छे फीचर चाहिए, वो भी इन्हीं फोन्स के अंदर ही मिल रहे हैं, तो ये भी एक रियलिटी है। उसके बाद डिस्प्ले पे आ जाता हूँ। डिस्प्ले क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है इस फोन की, 6.7 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले है, IPS पैनल है, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन है, और ये 60 हर्ट्ज़ के ऊपर आता है। अब 60 हर्ट्ज़ पे वो 90 हर्ट्ज़ वाली स्मूथनेस तो नहीं है, बट जिस प्राइस कैटेगरी में आप इस फोन को ले रहे हो, यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ भी चलाया ठीक है, हल्के फुल्के समटाइम इधर उधर जिटर्स नोटिस होते हैं, लेकिन ओवरऑल यूजिबिलिटी के हिसाब से स्मूथनेस ठीक है स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज़ के हिसाब से। वीडियोस देखने के लिए एक बेहतरीन स्क्रीन है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स भी चलाई है मैंने, अदर मतलब वीडियोस मल्टीमीडिया एंजॉय किया, वीडियो क्वालिटी विंग एंगल्स डिस्प्ले के ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। आउटडोर में यूज़ किया है, जो हार्श लाइट है वहाँ पे थोड़ी सी विजिबिलिटी सफ़र करती है बिकॉज ऑफ IPS पैनल, लेकिन ओवरऑल इश्यूज़ कोई नहीं है, ऐसा कोई मेजर कॉन नहीं है जो मैं हाईलाइट करूँ। सेंटर पंच होल है, बेजल्स वगैरह ठीक हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है। परफॉर्मेंस पे जो इस फोन के अंदर है हार्डवेयर, वो है स्नैपड्रैगन 750G का। अब ये मिड रेंज का एक अच्छा हार्डवेयर है, डे टू डे जो टास्क हैं, इवन थोड़े से हैवी टास्क भी अच्छे से हैंडल कर लेता है, केपेबल चिपसेट है। बट ये जो चिपसेट है ये काइंड ऑफ जो होता है ना डेडिकेटेड गेमिंग चिपसेट, ये वैसा नहीं है, हर बंदे ने गेमिंग तो नहीं करनी होती, डे टू डे जो टास्क हैं अच्छे हैंडल कर लेता है। 4GB रैम है उसकी, मल्टी टास्किंग में काइंड ऑफ ठीक है, जस्टिफाइबल है, और स्टोरेज भी UFS 2.1 वाली है, तो परफॉर्मेंस वाली साइड से इशू नहीं है। कैजुअल गेमिंग करोगे तो PUBG 40 FPS तक चलती है, इसके ऊपर मैंने खेल के देखी है, 40 FPS का एक डिसेंट गेम प्ले निकाल देता है। हार्डवेयर भी इसके अंदर वो जो है जायरो वाला हार्डवेयर है, हार्डवेयर जायरो वाला कहने लगा था मैं,
तो वहाँ से ठीक है। बैटरी का पैकेज भी बड़ा लगा हुआ इसके अंदर, नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ है, तो फिर भी आपका एक दिन आराम से निकल जाएगा। लाइट यूज़ करते हैं, डेढ़ दिन तक चला जाता है। और जो इसके चार्जिंग टाइमिंग है, मेरे पास एक 18 वाट का चार्जर पड़ा हुआ था, मैंने उसके साथ इसको चार्ज करके देखा है, 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर ले जाता है ये 100% होने में, 1.5 घंटे में 90%, बाकी मैंने टाइमिंग यहाँ पे मेंशन कर दी है, वो आप देख सकते हो। तो बैटरी वाली साइड से भी अच्छी है, बैटरी डिसेंट मैं इसको रेट करूंगा। अब मैं कैमराज की तरफ आता हूँ कि कैमराज कैसे परफॉर्म करते हैं इस फोन के। बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48 का प्राइमरी है, 8 का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर है, और फ्रंट सेल्फी है 16 मेगापिक्सल की। अब ये इसके कैमरा सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ। डे लाइट में मैंने फोटोग्राफी की है, काइंड ऑफ डिसेंट फोटोग्राफी निकालता है ये, और जो कलर्स हैं एकदम नेचुरल होते हैं। मोटोरोला की जो कलर प्रोसेसिंग है वो नेचुरल रहती है, डायनेमिक रेंज भी अच्छी है। उसके अलावा लाइट कंट्रोल, सूरज के अगेंस्ट एक्सपोजर को डार्क नहीं करता, मैनेज कर लेता है डिटेल्स को। अब ये देखो, ये मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, सूरज की तरफ किया, एक्सपोजर डार्क किया है बिकॉज सामने सूरज है, और जैसे ही फोटो को क्लिक किया, ये देखो डार्क फोटो है, लेकिन प्रोसेसिंग के थ्रू मैनेज करेगा। अब ये देखो काफ़ी अच्छी डिटेल्स को मैनेज कर लेता है। जो स्किन टोन्स हैं एकदम नेचुरल हैं, और अगर आपको कलर ग्रेड करना है तो एडिट कर सकते हो फर्दर। मोटोरोला कलर ग्रेडिंग नेचुरली रखता है, पोर्ट्रेट्स भी अच्छे हैं, ब्लर में भी अच्छा है, कोई भी एजो डिटेक्शन का इतना इशू नहीं है, तो पोर्ट्रेट्स भी अच्छे निकाल सकते हो इस फोन के थ्रू। इस रेंज के फ़ोन नहीं निकालते मोस्टली। अल्ट्रा वाइड जो सेंसर है, हल्का सा कलर शिफ्ट है, बट अगेन यूजेबल सेंसर है, डिटेल्स इसके अंदर अच्छी है। मैक्रो 2 मेगापिक्सल है, 2 मेगापिक्सल के हिसाब से ठीक गुजारा करेगा। और जो सेल्फी है 16 मेगापिक्सल की, काफ़ी सरप्राइजिंग है और अच्छी डिटेल्स को प्रोड्यूस कर लेता है। इस रेंज में इस तरह की सेल्फी आपको किसी और फोन में अभी नहीं मिलेगी, तो ये किट फोन्स हैं इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सेल्फी डिटेल्स भी अच्छी है। बैक साइड से वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30fps तक है, बाकी भी आप देख सकते हो EIS का सपोर्ट है, वीडियो स्टेबल भी हैं, डिटेल्स भी काफ़ी बेटर हैं, बट थोड़े थोड़े फ्रेम मुझे स्किप होते हुए नज़र आए। तो फोटोग्राफी में काफ़ी डिसेंट लगा मुझे फ़ोन, वीडियोग्राफी में भी अच्छा गुजारा कर जाएगा। और जहाँ तक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात है तो वो काइंड ऑफ अच्छा रहा है मेरा, बिकॉज ये जो फ़ोन है ये पैच रूट होके नहीं हुआ हुआ, इसका सॉफ्टवेयर अपनी ओरिजिनल हालत में है, अच्छा परफॉर्म करता है। जो फोन्स रूट होके पैच होते हैं उनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कंप्रोमाइज हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड 11 पे है मेरे पास, मार्केट में कुछ एंड्रॉयड 10 वाले भी हैं, सुजेशन मेरी यही है एंड्रॉयड 10 वालों को अवॉइड कर लेना। फाइनल वर्जन एंड्रॉयड 11 है इस फोन के लिए, इससे ऊपर इसने जाना नहीं है, तो अपडेट्स की टेंशन भी नहीं है। UI का एक्सपीरियंस क्लीन है, वराइजन कैरियर का फोन है तो कैरियर की कुछ ऐप्स हैं, उसके अलावा ब्लॉटवेयर नहीं है। ओवरऑल UI का एक्सपीरियंस अच्छा है, बैंकिंग ऐप्स हर तरह की इसके अंदर चल जाती हैं, बिकॉज रूटेड फोन नहीं है, रूटेड फोन में इशू आता है उनका, और एक्सटर्नल APKs वगैरह हर तरह यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना मेरा इस फोन के साथ, वो अच्छा ही रहा है। मेरा जो फाइनल ओपिनियन है Moto One 5G इसको लेके, देखो इसके 2 वेरियंट्स हैं, एक वेरियंट मैं रिकमेंड करूँगा 464 वाला जो 30 के आसपास मिलता है। इतनी प्राइस में कैमराज डिसेंट हैं, परफॉर्मेंस डे टू डे यूज़ में डिसेंट है, उसके अलावा बैटरी भी सही है, मल्टीमीडिया यूज़ में भी ठीक है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, बॉक्स पैक में कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो या तो किट फोन लेना पड़ेगा या सब्र करना पड़ेगा, चॉइस आपकी है। जो इसका ऊपर वाला 6GB वाला वेरियंट है वो 35-36 के आसपास मिलता है, उसकी जगह पर मैं आपको Moto One 5G रिकमेंड करूँगा, ब्लू कलर वाला, जिसकी ड्यूल सेल्फी है, चिपसेट थोड़ा बेटर है, 90Hz मिल जाता है, वो भी 36-37 के आसपास है, वो 4128 वाला वेरियंट है। तो बड़े वाला वेरियंट वो कंसिडर करना, 30,000 रुपये के आसपास मिलता है, तो इस फोन को ले सकते हो आप, ठीक है, अच्छा पैकेज है। बाकी सिंगल सिम फोन है, पैच उड़ता नहीं है, लेते हुए अच्छे से उसको रीसेट मार के देख लेना। तो बाकी कोई ऐसा मेजर इसका कौन मुझे नज़र नहीं है अपनी टेस्टिंग में जो मैं हाईलाइट करूँ। डिस्प्ले पे मैं व्हाट्सएप नंबर चला रहा हूँ, मेरी टीम का नंबर है, इनके पास कुछ मेरा टेस्टेड स्टॉक होता है, इनसे अपडेट ले सकते हो, अगर कुछ परचेज करना है वो भी आप कर सकते हो, लेन देन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस नंबर पे वो मेरी है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा देना, फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।